हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ एक डाइट चिरवड़ा। ये एक डाइट स्नैक है जो कि आप किसी भी समय खा सकते हैं। आप चाय के बिना भी और वैसे भी आप खा सकते हैं इसको, कभी भी हल्की सी भूख लगी हो। ये मैंने चिरवड़ा लिया है, ड्राई चिरवड़ा लिया है। उसमें मैं कुछ चीज़ें डालूँगी जो आप देख सकते हैं। कड़ी पत्ता लिया है मैंने, इसके अंदर वॉश करके रख दिया है। कुछ मैंने ऑलमंड्स लिए हैं, ये ब्लैक कलर का रीजन लिया है, ये बहुत ही हाईली न्यूट्रिशंस है। कैशू लिए हैं, इनको मैंने कट कर लिया था। और कुछ मैंने सीड, आप चाहें तो सीड कोई भी ले सकते हैं, मेलन के सीड्स ले सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ में। ये मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लूँगी मैं, ये बहुत ही कम ऑयल में मैं बनाऊँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अगर हो सके तो आपकी जो कढ़ाई है, पैन है, वो भारी ले लें, उसमें अच्छे से बनता है ये। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं पैन मैंने भारी वाला लिया है, मेरी पुरानी कढ़ाई पड़ी थी, तो इसमें कुछ चीज़ें मेरी इस चीज़ में इसमें बहुत अच्छी बनती हैं मेरी। तो इसके अंदर हमने ज़रा सा ऑयल लिया है और इसको बस हम ऐसे ही हल्का सा हिलाएंगे और थोड़ा इसको एज इट इज़ ही छोड़ देंगे। फिर 1-1 मिनट के बाद इसको हिलाएंगे, ये धीरे धीरे पफ होने लग जाएगा। तो ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी इसमें डालने की, थोड़ा टाइम लगता है डेफिनेटली, लेकिन ये बहुत ही अच्छा स्नैक बनता है। कभी भी किसी भी समय आप हल्की सी भूख लगी है तो आप इसको खा सकते हैं और आपका डाइट भी ख़राब नहीं होगा। जो लोग डाइट कर रहे हैं, अब बिना डाइट वाले भी खा सकते हैं क्योंकि बनता ही इतना टेस्टी है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी पफ हो चुका है ये। आप चाहें तो इसके अंदर पीनट्स भी डाल सकते हैं, अगर आपको कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डालने हैं तो। यूजुअली घर में लोग सिर्फ पीनट डाल के भी बनाते हैं, ये मैंने ड्राई फ्रूट्स इसलिए डाले हैं कि एक क्रंची का फ्लेवर आता है इसके अंदर और बहुत ही टेस्टी लगता है और न्यूट्रिशन भी होता है बहुत सारी। उसमें आपको हेल्दी कैलोरीज मिलती हैं। इसमें मैंने ज़रा सा टर्मरिक पाउडर डाला है और सॉल्ट डाला है। सॉल्ट आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं सॉल्ट को, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि हमें सॉल्ट कम खाना है। तो ठीक है, आप सॉल्ट नहीं भी डालेंगे तो भी इस चिरवड़े का इतना अच्छा टेस्ट आएगा। और इसमें जैसे मैं किशमिश डालूंगी तो उसमें उसका थोड़ा सा मीठे का टेस्ट आएगा। बट आप इसमें थोड़ा सा शुगर ज़रूर डालिए। अभी मैं इसमें 1 टीस्पून मैंने इसमें शुगर डाला है। शुगर से इसमें एक अच्छा सा एक टेक्सचर आ जाता है, क्रिस्पीपन आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए और अगर आपको मेरा चैनल या मेरी कोई रेसिपी अच्छी लगी हो तो अगर हो सके तो आप सब्सक्राइब भी करना उसको। और तो अब ये हमारा रेडी हो गया है, तो इसको अब हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अभी जैसे पैन हमारा गर्म ही है, इसी को हम साफ़ कर करके कपड़े से, और इसी में हम अपनी चीज़ें, दूसरी चीज़ें भी करेंगे। ऐसे ही अभी मैंने इसमें बहुत ही ज़रा सा 1 टीस्पून, नॉट इवन टेबल स्पून, 1 टीस्पून जितना मैंने इसमें ऑयल डाला है, ऑलिव ऑयल ही डाला है। अब बादाम और कैशू को हम थोड़ा ड्राई रोस्ट करेंगे, धीरे धीरे इसको हम रोस्ट करेंगे। ज़रा सा आप देख सकते हो ऑयल डाला है। इसको रोस्ट होने में कम से कम 6 से 7 मिनट लगेंगे और साथ ही हम इसके अंदर अपना करी लीव्स भी डाल देंगे, वो भी एकदम ड्राई सा अच्छा कड़क हो जाएगा रोस्ट। अगर हम कैशियो और ऑलमंड के अंदर जो ऑयल रहता है उसको हमें थोड़ा ड्राई करने में टाइम जाता है, तो इसको आपने बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे ड्राई करना है। अगर आप ज़्यादा ऑयल डालेंगे इसको करेंगे तो अंदर से वो ड्राई नहीं, क्रंची नहीं होगा अंदर से, बाहर से हो जाएगा बट अंदर से क्रंची नहीं होगा, वो सॉफ्ट सा रहेगा। तो ये अभी आप देख सकते हैं मेरे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये मेरा अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया है। उसी के अंदर हम अपना सब चीज़ें जो भी हम ले रहे हैं वो डाल देंगे। ये मैं इसमें सीड्स डाल रही हूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया कि आप कोई भी सीड ले सकते हैं,
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मेलन सीड्स लेना है या पम्पकिन सीड, कुछ भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं सीड्स को। तो मैंने इसमें ये दोनों डाले हैं। इसके साथ में मैं ऑयल नहीं डालूंगी इसके अंदर, क्योंकि इसको हमें ज़्यादा देर तक नहीं फ्राई करना है। हार्डली ड्राई जो मैं कर रही हूँ इसको मुश्किल से आपको 40 से 50 सेकंड्स में ही ये हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे तो किशमिश फूल जाएगी और जो सीड है वो जल जाएगा। तो ऑयल की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारी कढ़ाई में चिकनाहट है, और अगर चिकनाहट नहीं भी हो तो भी हमें कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही फ्राई ज़रा सा करना है, ड्राई रोस्ट, और निकाल देना है। तो बस हमारा ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नमकीन को आप बना के महीनों तक रख सकते हो, वो ख़राब नहीं होती है। ट्रैवलिंग में ले जा सकते हो, फ्रिज में तो रखना ही नहीं है, बाहर ही रखना है, कहीं पर भी ले जा सकते हो, महीनों तक ख़राब नहीं होती है। तो ये आप देख सकते हैं मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है ये नमकीन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अगर हो सके तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, और अगर थोड़ा सा टाइम हो तो टाइम निकाल के एक कमेंट सेक्शन में आप थोड़ा कमेंट भी कीजिए कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।